नारायणपुर जिला बनने के पश्चात मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इन क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा नहीं होने के कारण इन क्षेत्रों को पहुंच विहीन क्षेत्र में रखा गया है। शासन के द्वारा शासकीय संस्थाओं, स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल तो खोल दिया गया है, परंतु वहां पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारी महज खानापूर्ति करते आ रहे हैं और कागजों पर कार्य कर रहे हैं। स्कूलों में शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं, परंतु इनका जो वेतन बिना किसी कारणवश पूरा मिल जाता है। यहाँ के ग्रामीण जनों ने इनकी शिकायत की गई है, परंतु प्रशासन आज तक सोए हुए हैं। इस गांव में कितना मकान होंगे? होगा 60 मकान। आप लोग को इस गांव में क्या समस्या है? समस्या तो है साहब, क्योंकि पानी का भी समस्या है। सबसे ज्यादा मेन चीज ना पानी का समस्या है। कितने बार दिए हैं आवेदन भी, पंचायत को भी बोले हैं, आवेदन भी दिए हैं पंचायत में जाके भी, जब ग्राम सभा होता है तब से भी दिए हैं, तो पर भी आज तक से कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद लाइट का भी समस्या है, और के बारे में भी हम लोग भी कितने बार गए हैं, तो मतलब ऑफिस में नारायणपुर में फिर भी अभी तक से कुछ हुआ नहीं। इस वीडियो को मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि जो ग्रामीणों की सुविधाएं एवं विकास को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, नारायणपुर जिला के जिला अधीक्षक श्री एसएस देहारी, जिसका फ़ोन नंबर है 9424287246, पर संपर्क कर ग्रामीण जनों की सुविधाएं प्रदान करें। मैं हूं रामजग गौड़, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़, इंडिया नेट के लिए।